गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे बेटा रिबन के बारे में कि आपका रिबन क्या होता है। और सेकंड टॉपिक है बेटा आपका एडिटिंग और डॉक्यूमेंट कि आपके जो डॉक्यूमेंट है उसमें एडिटिंग जो टर्म है उसे आप क्या समझते हैं, एडिटिंग परफॉर्म करने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ता है। तो स्टार्ट करते हैं रिबन। रिबन क्या था बेटा, मैंने आपको बताया था कल जब हम विंडो के एलिमेंट्स को डिस्कस कर रहे थे। रिबन कंटेंट टू पार्ट्स। रिबन के अंदर बेटा दो पार्ट्स होते हैं, एक होते हैं आपके टैब और दूसरे होते हैं बेटा ग्रुप्स। ठीक है, जैसे ये सबसे पहले आपका क्या आता है बेटा, टाइटल बार। टाइटल बार के बिल्कुल नीचे क्या होते हैं आपके टैब। जिस भी टैब के ऊपर क्लिक करते हो बेटा उसे ये कॉरस्पॉन्डिंग ग्रुप ओपन होते हैं। इन टैब और ग्रुप का कम्बिनेशन आपका क्या कहलाता है, रिबन कहलाता है। हर टैब क्या करता है बेटा, कंटेन करता है कुछ कमांड्स को जो किसके अंदर अरेंज होती है, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर अरेंज होती है। होम टैब इज जनरली यूज फॉर एडिटिंग एंड फॉर्मेटिंग। जो आपका होम टैब है बेटा, इसकी हेल्प से हम टेक्स्ट के अंदर बेटा एडिटिंग करते हैं, अगर हमें कोई फॉर्मेटिंग करनी है तो उसको भी परफॉर्म करते हैं। उसके बाद है बेटा एडिटिंग एंड डॉक्यूमेंट। एडिटिंग का मतलब क्या है, मेकिंग चेंजेस इन अ डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड एडिटिंग। अगर हमने कोई भी डॉक्यूमेंट है बेटा उसके अंदर अगर हम कोई भी चेंज करते हैं तो आपका क्या कहलाता है, एडिटिंग कहलाता है। अगर हमें एडिटिंग परफॉर्म करनी है तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा बेटा, हमारे डॉक्यूमेंट को के अंदर अगर हम किसी लेटर के ऊपर एडिटिंग कर रहे हैं या फिर किसी पैराग्राफ के ऊपर एडिटिंग कर रहे हैं, किसी सेंटेंस के ऊपर एडिटिंग कर रहे हैं, तो उस चीज़ को हम पहले सिलेक्ट करेंगे। तो सिलेक्टिंग टेक्स्ट, इसके अंदर एक टर्म है सिलेक्टिंग टेक्स्ट, यानी कि आप जो अपने टेक्स्ट को बेटा किस तरीके से सिलेक्ट कर सकते हो। यू कैन सिलेक्ट द पार्ट ऑफ टेक्स्ट और होल टेक्स्ट। या तो बेटा आप अपने टेक्स्ट का कोई एक पार्ट या फिर पूरा का पूरा टेक्स्ट भी सिलेक्ट कर सकते हो आपकी नीड के अकॉर्डिंग। दो तरीके हैं बेटा, एक तो है यूजिंग माउस एंड दूसरा है यूजिंग कीबोर्ड। एक तो है बेटा माउस की हेल्प से और दूसरा है कीबोर्ड की हेल्प से। तो पहले डिस्कस करेंगे बेटा कि माउस की हेल्प से किस तरीके से हम एडिटिंग परफॉर्म करते हैं, सॉरी सिलेक्ट हम अपने टेक्स्ट को किस तरीके से सिलेक्ट करते हैं। पहला है बेटा टू सिलेक्ट अ सिंगल वर्ड। अगर हमें ओनली एक सिंगल वर्ड सिलेक्ट करना है तो सिंपल क्या करो, उस वर्ड के ऊपर अपने माउस को लेके जाओ और डबल क्लिक कर दो। डबल क्लिक जैसे करोगे तो वो आपका टेक्स्ट क्या हो जाएगा, सिलेक्ट हो जाएगा, वो वर्ड सिलेक्ट हो जाएगा। अगर आपको बेटा कोई सेंटेंस या फिर पूरा का पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट करना है तो क्या करोगे, प्लेस द माउस पॉइंटर बिफोर द फर्स्ट लेटर। आप अपने माउस पॉइंटर को कहाँ लेके आओ बेटा, फर्स्ट लेटर से पहले लेके आओ, ठीक है, जहाँ से आपको अपना सिलेक्शन स्टार्ट करना है। एंड ड्रैग द माउस। उसके बाद बेटा अपने माउस पे जो आपका लेफ्ट बटन है, लेफ्ट माउस बटन बेटा, उसको होल्ड करके रखो और जितना टेक्स्ट आपको सिलेक्ट करना है उसके ऊपर से अपने माउस पॉइंटर को ड्रैग करो। जैसे आप ड्रैग करोगे जिस एरिया में माउस आपका ड्रैग होगा वो पूरा का पूरा एरिया क्या हो जाएगा, आपका सिलेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट बेटा यूजिंग कीबोर्ड, कि आप कीबोर्ड की हेल्प से अपने टेक्स्ट को किस तरीके से सिलेक्ट करते हो। तो सबसे पहले क्या करो बेटा, प्लेस द कर्सर बिफोर द फर्स्ट लेटर ऑफ द सेंटेंस और वर्ड। सबसे पहले उस कर्सर को बेटा कहाँ लेके आओ, उस वर्ड के या फिर उस सेंटेंस के आगे जहाँ से भी आपको सिलेक्शन स्टार्ट करना है। उसके बाद बेटा होल्ड डाउन द शिफ्ट की। उसके बाद क्या करो बेटा, शिफ्ट की को प्रेस करो एंड प्रेस द राइट एरो की। अपनी जो आपकी एरो की है बेटा, शिफ्ट एरो की है, उसको प्रेस रखते हुए आपको क्या करना है, आपकी राइट एरो की को प्रेस करते जाना है। एक बार प्रेस करोगे तो आपका एक वर्ड सिलेक्ट होगा, दूसरी बार प्रेस करोगे तो उससे नेक्स्ट वर्ड सिलेक्ट होगा। मतलब आप कब तक प्रेस करते रहो, जब तक आपको जहाँ तक जो आपका एलिमेंट है, जहाँ तक आपको अपना टेक्स्ट है बेटा सिलेक्ट करना है, तब तक आप अपनी राइट एरो की को प्रेस करते रहो। इस प्रोसेस के दौरान बेटा आपको अपनी शिफ्ट की को लगातार प्रेस रखना है, तो आप जैसे ही लीव करोगे तो वहीं पे आपके यहाँ सिलेक्शन क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। ओके, तो ये आपका टॉपिक था बेटा कि किस तरीके से आप डॉक्यूमेंट के अंदर किसी भी टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हो। कल हम करेंगे बेटा कि अगर हमें कोई टेक्स्ट कॉपी करना है या मूव करना है तो वो किस तरीके से परफॉर्म होगा। ओके, थैंक यू।